नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, डिपार्टमेंट ऑफ होम एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपार सिटी, राजस्थान। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो विषय है वंशानुक्रम एवं वातावरण का बालक के चहुमुखी विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर हम बात करते हैं, जब हम बच्चे के विकास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस बच्चे में जो है इसकी बुद्धि लब्धि कम है, इसका जो है इसकी जो है इसकी सोशल स्टेटस की वजह से, या इसकी जो है उसका जो पेरेंटल पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशनशिप है, उन सब के आधार पर हम उसके जो है विकास के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये जो विषय है, इस विषय में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वंशानुक्रम क्या है। इसको हमने इस तरह से वर्गीकृत किया है कि पहले हम बात करेंगे वंशानुक्रम क्या है, फिर वंशानुक्रम जो है वो बालक के विकास को किस तरह से प्रभावित करता है, फिर हम बात करेंगे वातावरण की कि वातावरण क्या है और वातावरण जो है वो किस तरह से व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। और साथ ही हम फिर इसके सापेक्षिक महत्व की बात भी करेंगे कि दोनों जो है मिलाकर, वातावरण और वंशानुक्रम मिलाकर, किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम का अभिप्राय जो है वो एक जैविक तंत्र है, एक तरह का एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जिसके फलस्वरूप बालक जो है अपने माता पिता एवं अपने पूर्वजों के कुछ विशिष्ट लक्षणों को पैतृक धरोहर के रूप में गर्भाधान के समय ही प्राप्त कर लेता है। यानी जब गर्भ स्त्री गर्भवती होती है और जब वो गर्भ धारण करती है तो उसी समय जो क्रोमोसोम्स उसको अपने भ्रूण को अपने माता से और जो पिता से मिलते हैं, उनका उस समय जो कॉम्बिनेशन होता है वो निर्धारित कर देता है कि इस बच्चे को ये जो बच्चा जब होगा तो उसको किस तरह की उसको वंशानुक्रम प्राप्त होगा, उसको वंशानुक्रम के कौन से गुण प्राप्त होंगे। इसमें जो है हरलॉक की एक डेफिनेशन की चर्चा मैं करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुवांशिक धरोहर जो है वो उत्तराकालीन विकास का आधार है और ये उसी समय यानी गर्भाधान के समय ही निश्चित हो जाती है, और ये बात केवल शारीरिक और मानसिक गुणों के लिए नहीं बल्कि यौन निर्धारण के विषय में भी सत्य है। और जो है और कई सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन इन सभी परिभाषाओं को अगर हम डिटेल में करें तो उसका जो है निष्कर्ष ये पहुंचता है कि जो है व्यक्ति को अपने माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वो ही सिर्फ वंशानुक्रम नहीं होते बल्कि उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त जो गुण होते हैं वो भी वंशानुक्रम के अंतर्गत ही आते हैं। और अनुवांशिकता जो है वो एक ऐसी जन्मजात शक्ति है जो प्राणी को एक निश्चित दिशा में विकसित होने में सहायता पहुंचाती है। और अनुवांशिकता या हेरिडिटी जो है वो ही बालक की आकृति, उसका रंग, आकार, यौन बुद्धि तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं का निर्धारण करती है। इसकी अगर हम बात करें कि ये निर्धारण कैसे होता है, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो है जो हमारे उत्पादक कोष होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, पुरुष का उत्पादक कोष आप जानते हैं स्पर्म होता है, स्त्री का जो उत्पादक कोष होता है वो ओवम होता है, तो ये पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में 23-23 गुण सूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन गुण सूत्रों के संबंध में ये बताया गया है कि हमारी जो असंख्य परंपरागत विशेषताएं होती हैं वो इन 46 गुण सूत्रों में ही निहित होती हैं। और ये विशेषताएं जो है ये गुण सूत्रों में जो विद्यमान जीन्स होते हैं, कहने का मतलब है कि यदि अगर जैसे आपकी आंख का जो रंग है वो ब्राउन है, या आपके बाल जो है वो काले हैं या लाइट ब्राउन है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो हर एक जो गुण है वो हर एक गुण जो है वो हमें अपने माता पिता के जो या हमारे जो पूर्वज हैं उनके उनसे जो प्राप्त
जो है वंशानुगत, उससे हमें उसी से ही इन सब चीजों का निर्धारण होता है। यही हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं, और प्रत्येक जीन जो है वो किसी एक गुण या एक विशेषता का निर्धारण करता है। तो ये बात हुई जो है वंशानुक्रम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम जो है वो किस तरह से बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में बहुत सारे अध्ययन किए हैं, बहुत सारे परीक्षण किए हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिससे मालूम चला है कि वंशानुक्रम जो है वो बालक को के विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। सबसे पहले पहली बात हम करते हैं शारीरिक लक्षणों के प्रभाव की। शारीरिक लक्षणों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो कार्ल पियर्सन नामक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना परीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बालक की जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई है, उसकी बनावट है, बालों का रंग है, शरीर का चेहरे की बनावट है, जिस तरह के भी जो शरीर के अंगों की बनावट है, ये सब जो है ये माता पिता से जो प्राप्त लक्षण जो वंशानुक्रम है वो ही निर्धारित करती है। फिर आती है बात महानता की, यानी हम कहते हैं कि वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति बहुत महान है, उसने वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्धि कब की बात के लिए भी गाल्टन नामक एक रिसर्चर हुए जिन्होंने कहा कि जो है कि व्यक्ति की महानता का कारण जो है वो भी वंशानुक्रम ही से ही होता है। इसका प्रभाव उन्होंने देखा कि प्रसिद्ध वकीलों, कलाकारों, चित्रकारों, साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, उनकी जीवन चरित्रों को जब अध्ययन किया तो ये मालूम चला कि पूर्वज इनके पूर्वज और इनके जो संबंधी थे वो सभी अधिकांश प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और फिर उन्होंने इस चीज का कंपैरिजन किया साधारण व्यक्तियों का अध्ययन करके, जिससे पता चला कि उनके पूर्वजों में केवल कुछ व्यक्ति ही ऐसे थे जो प्रसिद्ध थे। फिर इसके बाद में हम तीसरे जो जिस उस पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि सामाजिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो भी इससे प्रभावित होती है। और उन्होंने एक ऐसे रिचर्ड एडवर्ड नामक एक व्यक्ति का अध्ययन किया विनशिप ने, और उन्होंने कहा कि रिचर्ड जो है वो एक योग्य, गुणवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसने एक एलिजाबेथ नामक एक स्त्री के साथ में विवाह किया जो भी उस जो उसके समान ही गुणवान थी। और इन दोनों के जो फिर वंशज हुए वो जो है विधानसभा के सदस्य, महाविद्यालयों के अध्यक्ष आदि जो है प्रतिष्ठित पदों को उन्होंने प्राप्त किया। यानी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो भी वंशानुक्रम से निर्धारित होती है। ऐसा वंशानुक्रम को के जो फेवर में जो हेरिडिटेरियंस हैं वो इस तरह का अपना मत रखते हैं। फिर बात करते हैं चरित्र की, यानी व्यक्ति का जो चरित्र है वो भी उसको जो है वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। इसमें उन्होंने इसमें ड्यूगडेल नामक एक व्यक्ति ने बात की कि जो जो चरित्रहीन माता पिता होते हैं उनकी संतान भी चरित्रहीन होती है। इस मत की पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक ज्यूकस नामक चरित्रहीन व्यक्ति की लाइफ की स्टडी की, और उसकी वाइफ जो थी वो भी उसी तरह से चरित्रहीन थी। और जब इनके जो वंशज जब देखे गए तो ये पाया गया कि 5 पीढ़ियों में लगभग जो है 1,000 में से व्यक्तियों में से 300 व्यक्ति जो है वो पैदा होते ही मर गए, 310 भिखारी थे और 240 जो है वो रोगों के कारण मर गए। यानी चरित्र जो है व्यक्ति का वो भी उसके वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। फिर बात होती है आती है बुद्धि की। अक्सर हम कहते हैं कि बुद्धि जो है वो माता पिता जो बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान होती है, और जो मेंटली लो होते हैं उनकी जो संतान है वो जो है कम या क्षीण बुद्धि की होती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसमें इसको भी जो है इसमें अपना मत दिया। उन्होंने जैसे गोडार्ड नामक एक व्यक्ति जो है उनका जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान जो है वो मंद बुद्धि, और कुशाग्र बुद्धि की माता पिता की संतान कुशाग्र बुद्धि होती है।
उन्होंने इस बात की पुष्टि करने के लिए एक कॉलिकॉक नामक एक सैनिक के वंशजों का अध्ययन किया, और कॉलिकॉक ने दो विवाह किए थे, एक मंदबुद्धि स्त्री से और एक जो है कुछ समय बाद उसने कुशाग्र बुद्धि से बुद्धि वाली स्त्री से किया। पहली स्त्री जो थी उससे उसको 480 वंशज जो थे उसमें से जो है 143 जो थे वो मंदबुद्धि पाए गए, और कुछ सामान्य पाए गए, कुछ अवैध संतान और कुछ वेश्याएं शराबी इत्यादि पाए गए। और जो है जो दूसरी स्त्री यानी कि जो जो स्त्री कुशाग्र बुद्धि वाली थी उसके जो वंशज थे उनमें से केवल 3 मंदबुद्धि और चरित्रहीन थे, और बाकी जो सारे थे उन्होंने अच्छे जो है व्यवसायियों के रूप में, डॉक्टरों के रूप में और शिक्षक और वकीलों के पदों को प्रतिष्ठित किया। यानी जो है इस अध्ययन से जो है ये बताया गया कि जो व्यक्ति की जो बुद्धि है वो भी प्रभावित होती है, वो प्रभावित होती है उसकी हेरिडिटी से, जो उसको हेरिडिटी से मिली। अब हम बात करते हैं वातावरण की, कि वातावरण क्या है। वातावरण जो है वो उस शब्द का प्रयोग जो है वो चारों तरफ की परिस्थितियां यानी जो है जिसको पर्यावरण, परी प्लस आवरण, परी का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ, यानी जो एक व्यक्ति को चारों तरफ से ढककर जो पर्यावरण या जो वातावरण रखता है वो उसके व्यक्तित्व को किस तरह से प्रभावित करता है। तो बालक के व्यक्तित्व विकास में भूमिका वातावरण की जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए वुडवर्थ ने ये कहा है वातावरण को परिभाषित करते हुए कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यानी जो वातावरण जो है उसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक जन्म से पूर्व का वातावरण, एक जन्म के बाद का वातावरण। यानी जब बच्चा अपने माँ के कोख में होता है तो उस समय का वातावरण जो है वो भी प्रभावित करता है, और जन्म के बाद का जो वातावरण है जिसमें सबसे पहले जो है उसका परिवार आता है, फिर उसकी स्कूल आता है, शाला जो स्कूल में वो पढ़ता है, वहाँ के टीचर्स की पर्सनालिटी का इफेक्ट, और वहाँ जो किस तरह का अनुशासन है, किस तरह से उसको उसके उसको ट्रीट किया जाता है, ये सब जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। और परिवार में भी सबसे पहले माँ, माता पिता, भाई बहन, और बच्चे का क्या वंशानुक्रम है, जन्म क्रम क्या है, बच्चे जिस परिवार में है उसका आकार क्या है, परिवार जो है वो संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है, ये सभी जो है वातावरण के जो इफेक्ट्स हैं वो बच्चे को के विकास को प्रभावित करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे अभी बात की कि जो बच्चा जो है उसके जन्म से पूर्व का जो वातावरण है यानी जब वो माँ के गर्भ में है तो उसमें भी कई सारी बातें हैं, जैसे माँ का आहार, माँ किस तरह का आहार लेती है, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, माँ अगर मद्यपान करती है या उसको धूम्रपान की आदतें हैं तो ये भी उसके गर्भ, जैसे जो है सब एक स्टडी में पाया गया कि अत्यधिक जो जो मद्यपान से गर्भस्थ शिशु में बेचैनी और उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और उसकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इसलिए जो है कई बार ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह का वातावरण अगर बच्चे को मिलता है गर्भ में तो उसकी जो है इमेच्योर बच्चा यानी समय से पूर्व बच्चा पैदा होने की भी चांसेस होते हैं। और फिर माँ की जो संवेगात्मक अनुभूतियां होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम माँ के लिए जब बात करते हैं कि उसको किस तरह का गर्भवती स्त्री को कैसा वातावरण मिलना चाहिए तो उसमें हम बात कहते हैं कि उसको उसका मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरी फैमिली जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर अधिक क्लेश घर में है या अगर किसी बात पर अगर की चिंता या एंग्जाइटी अगर ज्यादा रहती है तो ये भी बच्चे के ये भी वहाँ का वातावरण क्रिएट करती है माँ के गर्भ का, और जिसका सीधा असर जो है वो होने वाले बच्चे पर पड़ता है। और फिर हम बात करते हैं कि जन्म के बाद का जो वातावरण है, जन्म के बाद के वातावरण में जो पूरा वातावरण फैमिली का एनवायरनमेंट आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास में पारिवारिक वातावरण का बहुत महत्व है, क्योंकि परिवार ही उसकी पहली पाठशाला है और माँ ही उसकी पहली शिक्षिका होती है। तो जिस तरह से माता पिता का आचरण बच्चे के लिए रहता है, बच्चा उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो बच्चे को कितनी जो है किस तरह से किस उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं, किस तरह से उसको अनुशासित कर रहे हैं, ये सब चीजें भी उसको
जो है उसके विकास को प्रभावित करती है। फिर बालक अभिभावक संबंध जो है वो कितने मधुर हैं, कितना जो है पेरेंट्स उसको कितनी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, कितना वो जो है अपनी उसकी लिमिट्स जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं, परिवार का आकार कैसा है। जैसे बड़े परिवार होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके संपर्क में बच्चा आता है और बहुत कुछ उनसे सीखता है। एकाकी परिवार जो है उसमें बच्चों बच्चे के लिए रोल मॉडल्स कम हो जाते हैं। और इस तरह से सामाजिक वातावरण जो है वो भी प्रभावित करता है कि समाज में जो जो व्यक्ति रहता है तो उसको समाज के हिसाब से जो है बहुत सारी चीजें जैसे जो है समायोजन सामाजिक वातावरण से समायोजन करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे विकसित होती है। फिर विद्यालयी वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा है, किस तरह के टीचर है, टीचर की पर्सनालिटी से बच्चा, टीचर के व्यक्तित्व से बच्चा कितना प्रभावित है, वहाँ का कैसा पाठ्यक्रम है, अनुशासन पद्धति कैसी है, सहपाठी कैसे हैं, अनुशासन और प्रतियोगिता, सहनशीलता, ये सारे गुण जो है ये उसको विद्यालयी वातावरण से आते हैं। और इसके अलावा आस पड़ोस का वातावरण, धर्म जो है, हमारा कल्चर है, ये सब चीजें जो है ये व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं और ये सारे ही वातावरण का जो है एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं कि बालक के व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। इसके बारे में बालक के ऐसा सिद्ध हुआ कि जैसे एक भारतीय मनोवैज्ञानिक ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने 1971 में आरएस में जो है चुने जाने वाले जो 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 चयनित जो कैंडिडेट से उनको अगर स्टडी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही कम, यानी कि आधे से ज्यादा अधिक जो पेरेंट्स थे, जो उनके पेरेंट्स थे, उनकी मासिक आय बहुत कम थी और 44% जो है वो पब्लिक स्कूल में पढ़े थे, बाकी सब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े थे। यानी कहने का मतलब है कि चाहे उनको जो है जो वातावरण जो उनको मिला उस वातावरण से उन जो है उनको ये उन्होंने अचीवमेंट की। तो इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं जो फर्स्ट फैक्टर है वो है कि शारीरिक अंतर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग जो हैं वो उनमें शारीरिक भिन्नताएं देखी गई हैं। इन भिन्नताओं के कारण वंशानुक्रम ना होकर कई बार वातावरण भी है। एक ऐसी स्टडी हुई जिसमें ऐसा पाया गया कि जो जापानी लोग और यहूदी लोग अमेरिका में कई पीढ़ियों से बस गए तो उनकी लंबाई जो है वो भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई। यानी कि जो हम कहते हैं कि जो हमारी हाइट और ये सब चीजें ये हमें वहीं से सिर्फ वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। जो वातावरण है वो भी इस बात को प्रभावित कर सकता है। फिर मानसिक विकास पर प्रभाव देखा गया, तो ये देखा गया कि जिन बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिनका जिनके पेरेंट्स उनको ज्यादा जो है जैसे शहरी वातावरण जिन्होंने प्रोवाइड किया तो उनकी मानसिक योग्यता जो है वो अधिक हुई। और फिर जो है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव भी पाया गया। क्लार्क के मतानुसार कुछ प्रजातियां ऐसी थी जिनकी बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुकरण न होकर वातावरण पाया गया। और फिर बुद्धि पर प्रभाव जो है कई स्टडीज में ये पाया गया कि बुद्धि जो है बुद्धि लब्धि, अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है वो उसके वातावरण से भी प्रभावित होती है। अगर उसको स्टिमुलेटिंग वातावरण मिल रहा है जहाँ पर उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो बच्चे का जो बुद्धि का विकास भी अच्छा होता है। और इसके अलावा व्यावसायिक दक्षता का प्रभाव, जैसे वातावरण का व्यावसायिक दक्षता पर भी प्रभाव पड़ता है। उत्तम वातावरण मिलने से बालकों में व्यावसायिक जो है दक्षता का विकास भी तेजी से होता है। और इसके अलावा उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव, जैसे उन्होंने जो है कूले ने इसके लिए एक जो है एक 71 साहित्यकारों का जो है वो एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो निर्धन जिनका परिवार निर्धन जिनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ था वो जो है अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सके। और जो है इसमें इसका जो है इसीलिए जो है वातावरण जो है वो बालक के, ये कहा जा सकता है निष्कर्ष में कि वातावरण जो है वो बालक के शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर प्रभाव डालता है। और इसकी जो है एक पुष्टि उन्होंने एक जो है एक जंगल बॉय
से भी की थी कि जैसे एक बच्चे को जो है भेड़िया उठाकर ले गया था जन्म के समय पर ही, और उसका जो पालन पोषण था वो जानवरों के बीच में ही हुआ था, जंगली पशुओं के बीच में हुआ। बाद में कुछ शिकारियों ने उस बच्चे को पकड़ा और उसको 11 से 12 वर्ष का जब बच्चा था तो उसको अपने पास लेकर आ गए। उसकी आकृति जो थी वो पशुओं जैसी थी, वो पशुओं जैसे ही खाता था, उसी तरह से मुंह से जीभ से खाता था 11, और जो है और हाथ पैरों से मतलब चारों जानवरों के जैसे चार पैर से चलता था और कच्चा मांस खाता था। जब उस और उसमें मनुष्य के जैसे बोलने की भी जो है या विचार करने की शक्ति भी नहीं थी, और उसको मनुष्य के समान जो है सभ्य और शिक्षित बनाने का प्रयास किया गया और इसके सभी प्रयास असफल रहे। अब देखिए इसमें जो है उसको वंशानुक्रम तो अपने माता पिता से मिला, यानी कि वो मनुष्य का बच्चा था, लेकिन उसको वातावरण जो है वो क्योंकि जंगली जानवरों का मिला तो उसका जो विकास जो है उस पर वातावरण का प्रभाव अधिक रहा। तो जो है अब हम बात करते हैं, ये तो हुई वातावरण ने किस तरह से प्रभावित करते हैं, अब हम बात करते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम का सापेक्षिक महत्व क्या है। तो इसमें जो है अब ये स्वीकार किया जाने लगा है कि वंशानुक्रम और वातावरण जो है ये दोनों ही महान शक्तियां हैं, ये दोनों ही मानव के विकास को प्रभावित करती हैं, ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये दोनों ही एक दूसरे की सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं। हम अब ये बात नहीं करते हैं कि वातावरण प्रभावित करता है या वंशानुक्रम, अब हम बात करते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों मिलकर जो है वो व्यक्ति के जो है बालक के सभी चहुंमुखी विकास को प्रभावित करते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है कि जो है बालक के विकास के लिए वातावरण का उतना ही महत्व है जितना वंशानुक्रम का। उदाहरण के लिए जैसे अच्छी पैदावार के लिए उत्तम किस्म के बीज और उपजाऊ धरती होने की आवश्यकता होती है, और यदि बीज अच्छा है और धरती उपजाऊ नहीं है तो पैदावार अच्छी नहीं हो सकती, और इसी तरह से बीज खराब हो और धरती उपजाऊ हो तो भी पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। और इस प्रकार से जो संबंध बीज और धरती में है वही संबंध जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण में है। और जो है इसी के साथ जो है मैं अपनी इस बात को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है इस ये बात जो है अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।